हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं और उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चलने वाला है। ओके व्यूअर्स, यही देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग ना जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है और टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। आपका जो भी जोडियक साइन है, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। और जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, लड़का लड़की कोई भी अपने अपने पार्टनर के लिए इस रीडिंग को देख सकता है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं कॉम्प्रोमाइज़, न्यू विजन, द आउटसाइडर, मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसिंग, एग्जिस्टेंस एंड नेक्स्ट कार्ड आया है अवेयरनेस। और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेस। इस कार्ड को हमने ले लिया है, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। देखिए, एक बात तो क्लियर है, क्योंकि जो म्यूचुअल एनर्जी में कार्ड आया है ना स्ट्रेस, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई बात है आप दोनों के दरमियान जिसका ना आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में जो कुछ भी अभी चल रहा हो, या तो आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों अभी टेम्परेरी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, आपकी किसी बात को लेकर के अनबन चल रही है। बट अभी ऐसा भी लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ना कि वो किसी न्यू पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हैं और वो उस न्यू पार्टनर को अपने एक्स पार्टनर के साथ ना कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में जब कंपेयर करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो एक्स है उसके साथ उनका दिली अटैचमेंट है और उसे वो भूल नहीं सकते। वही हाल आपके पार्टनर का भी है, उनको भी ऐसा लगता है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं और आपके साथ जो उनको हैप्पीनेस और खुशी मिलती है ना, वो किसी के साथ नहीं मिलती है। वो कहीं भी रहें, किसी से भी बात करें, किसी भी रिलेशनशिप में रहकर भी इस पर्सन ने देख लिया है, इसको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है जो आपके साथ, क्योंकि इस पर्सन का ना दिली अटैचमेंट आपके साथ है। ये पर्सन आपके लिए ट्रूली फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनकी सच्ची हैप्पीनेस हैं। और आज रात भी ये पर्सन इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि अभी ना धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं। जब से इन्होंने ना आप दोनों के रिश्ते को ना काफ़ी डीपली फील किया है, इन्होंने सोचा है आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, तब इन्हें एहसास हुआ है कि इन्होंने काफ़ी सारी ना ऐसी चीज़ें इस रिलेशनशिप में कर दी हैं जिसकी वजह से आप इनसे दूर हो गए हैं, ये आपसे दूर हो गए हैं। अब ये पर्सन जब सोचते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं, तब इन्हें एहसास होता है कि गलती इन्हीं की थी। और इस पर्सन ने जो भी अभी तक अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिए हैं, वो इन्हें एहसास करा पा रहे हैं कि जो भी इनका पास्ट था वो इनके प्रेजेंट से ज़्यादा बेहतर था। जब ये आपके साथ थे, आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो एक अलग ही तरह की हैप्पीनेस इन्हें मिला करती थी। अब ये एक आउटसाइडर की तरह भी इस रिलेशनशिप को देखने लगे हैं, तब जाके इनमें ना अवेयरनेस आ रही है। अब ये अवेयर होते जा रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ें पहले समझ नहीं आती थी, कोई इनसे कुछ भी बोल देता था आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, तो ये उस पर बिलीव कर लिया करते थे, ट्रस्ट कर लिया करते थे। बट अब धीरे धीरे इस पर्सन को जब अवेयरनेस इनकी ज़िंदगी में आ रही है ना, ये अवेयर होते जा रहे हैं, तो ये आप दोनों के रिलेशनशिप की डेप्थ को पहचान पा रहे हैं। और अगर पास्ट में ये पर्सन ना किसी भी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे, आपकी कुछ बैड हैबिट्स हो सकती हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे ना, तो अब ये पर्सन आज रात सोचेंगे उन चीज़ों के बारे में कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। अगर ये न्यू पार्टनर के साथ अपनी एक नई शुरुआत करते हैं, तो वहाँ भी इन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ भी इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही होगा। क्यों ना ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। तो आज रात ये पर्सन सोच सकते हैं, इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आज रात ट्रू रहेंगी आपके लिए, ये सच्चे दिल से और सच्ची भावनाओं के साथ आपके साथ रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स हैं ना, वो इनके दिल में जो जागती जा रही हैं, अभी जागी हैं। पहले ये ज़्यादा सोचते नहीं थे, समझते नहीं थे, इनका जो बिहेवियर था वो भी थोड़ा सा केयर फ्री नेचर इनका हो सकता है। बट अब इस पर्सन ने अपने लिए एक नया विजन तैयार किया है, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी सोचने वाले हैं आज रात, और ये उस पर अमल करने का भी सोचेंगे। ये चाहेंगे कि आप फिर से इनकी लाइफ में आएँ, ये आपको फिर से अपनी लाइफ में ले आएँ, ताकि आप भी खुश रहें और ये भी खुश रहें।
ओके व्यूवर्स, तो आज रात इस पर्सन की जो फीलिंग्स है ना, वो इसी तरह की रहेंगी, ट्रू रहेंगी आपके लिए, सच्चे दिल से ये आपको फील करेंगे, आपको मिस करेंगे, याद करेंगे. ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी. कितना रेजोनेट की है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. बाय बाय.